हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। सो दोस्तों, ये हमारा प्रयास है आप लोगों के संघर्ष से सफलता की ओर, जिसमें कि हमने शुरू किया हुआ है घटना चक्र की सीरीज, और इसमें हमारे लेकर आए हैं जियोग्राफी में द्वीप समूह के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? द्वीप समूह, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च सबसे ऊंचा शिखर, जिसका नाम है पल्यान शिखर, या आप इसको सैडल पीक भी कहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंचा शिखर, जिसका नाम है पल्यान शिखर, जिसको आप सैडल पीक भी कहते हैं, यह स्थित है वरेत निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में, या उत्तरी अंडमान में। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? यह है आपका उत्तरी अंडमान में, ठीक है। और इस शिखर की जो ऊंचाई है वह 732 मीटर है। क्या दोस्तों? 732 मीटर। और यह जो स्थित है, यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। कहाँ पर? दिगलीपुर के निकट स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर टू। अंडमान व निकोबार कहाँ पर है? बंगाली खाड़ी में दो द्वीप हैं, या बंगाली खाड़ी में द्वीप समूह हैं, या अरब सागर में द्वीप समूह हैं, या हिंद महासागर में दो द्वीप हैं। सो दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं। क्या है? बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं, ठीक है। चलिए, दो द्वीप नहीं है, ये द्वीप समूह हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? जो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, इसमें कितने द्वीप हैं? 200, 240, 220 या 250? बताए दोस्तों, 200, 220, 240 या 250? तो इसमें है दोस्तों आपके 220। कितने हैं? 220। एग्जैक्टली 220 नहीं है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 222 है। कितनी? 222। तो उसका अप्रोक्सीमेट 220 यहाँ पे इसका आंसर बताया है। और अगर इन द्वीपों पर बात करें तो जो द्वीप हैं और टापू हैं, कुल संख्या 572 है, 572 किसकी? द्वीपों की और टापुओं की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है किसको? अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, या लक्षद्वीप को मालदीव से। सो 10 डिग्री चैनल क्या करता है? यह अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव। बैरन द्वीप अवस्थित है, जो बैरन द्वीप है वह कहाँ पर है? बैरन द्वीप कहाँ पर है? तो बैरन द्वीप आपका बंगाली खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में, या चीन सागर में। सो दोस्तों, चीन सागर में तो होगा नहीं, ठीक है, भूमध्य सागर में भी नहीं होगा, क्योंकि भूमध्य आपका मेडिटेरेनियन सी, जो कि आपका यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, ठीक है। अब बचा कौन सा? अरब और बंगाली खाड़ी। तो यह है आपका दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप बंगाली खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र, ध्यान रखना यह क्वेश्चन आ सकता है आपका, कि एशिया का एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वह आपका बैरन द्वीप है। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बैरन द्वीप आपका दक्षिण एशिया का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। और इस ज्वालामुखी से जो पहला उद्गार हुआ था वह 1787 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, ध्यान देना, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम है? कर्नाटक तट, मालाबार, कोंकण या कोरोमंडल।
तो ध्यान देना, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को आप लोग कहते हो कोंकण। क्या कहते हो? कोंकण, ठीक है। और उत्तरी भाग को कोंकण कहते हो। अगर आपसे पूछा जाता दक्षिणी भाग को क्या कहते हो, तो दक्षिणी भाग को आप कहते हो मालाबार तट। ये चार तट हैं, एक पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी। तो उत्तरी आपने पढ़ा कोंकण तट, दक्षिणी भाग को आप कहते हो मालाबार तट, पूर्वी तटीय मैदान को आप कहते हो उत्तरी सरकार तट और या कोरोमंडल तट। कोरोमंडल का दूसरा नाम क्या है? उत्तरी सरकार तट, ठीक है। उत्तरी सरकार तट का विस्तार गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक विस्तारित है, ठीक है। चलिए, पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार तट है और कोरोमंडल तट है, दो तट है, ध्यान रखना भाई। आपका मालाबार तट कौन सा है? जो कि आपका दक्षिण भाग है, ठीक है। उत्तरी भाग क्या हो गया आपका? कोंकण तट। अब कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट, ये दोनों पूर्वी तटीय मैदान में शामिल हैं। आपका जो उत्तरी सरकार तट है, यह है आपका गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है। कहाँ पर? गोदावरी से उत्तरी तटीय भाग तक, और कोरोमंडल कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है, ठीक है। चलिए, भारत के किस द्वीप को उद्गम ज्वालामुखी कहते हैं? अभी आपको बताया किसको कहते हैं, बेरेन द्वीप को। ठीक है, भारत के कुछ द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, तो वह बेरेन द्वीप का है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? चिलका झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप या गोदावरी के मुहाने के समीप। तो आप लोग जानते हैं कि यह पुलिकट झील के समीप है। कहाँ पर? पुलिकट झील के समीप है, ठीक है। क्योंकि जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, यह आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। क्या करता है? यह जो द्वीप है, यह पुलिकट झील को बंगाली खाड़ी से अलग करता है। तो आपसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है, उस द्वीप का नाम बताइए जो पुलिकट झील को और बंगाली खाड़ी से अलग करता है। तो उसका नाम में आप क्या बताएंगे? श्रीहरिकोटा द्वीप। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जिसको आप स्पेस सेंटर कहते हैं, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, याद रखना, श्रीहरिकोटा द्वीप पर है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। यहाँ आपको चार क्वेश्चन के जवाब मिले हैं, इनको बिल्कुल ध्यान रखना और नोट कर लेना दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेरेन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, बताइए। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, बेरेन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कहाँ पर है? यह अंडमान सागर के पोर्ट ब्लेयर से लगभग 139 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर तथा ग्रेट निकोबार की दूरी 540 किलोमीटर है। बेरेन द्वीप एवं ग्रेट निकोबार की दूरी 140 किलोमीटर से अधिक होगी, तो आपका सेकंड वाला गलत है। पिछली बार बेरेन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में हुआ था? नहीं, हमने क्या पढ़ा था, 1700, कब? 1787 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, पिछली बार बेरेन द्वीप, तो बेरेन द्वीप लगभग 170 वर्ष निष्क्रिय रहने के पश्चात वर्ष 1991 में सक्रिय हुआ एवं इस द्वीप में वर्ष 1994 में पुनः उद्गार हुआ था। अतः कथन तीन भी आपका गलत है, 91 में नहीं हुआ, यह 94-95 में उद्गम हुआ था। तो आपका इसमें सिर्फ केवल एक सही है, ठीक है। चलिए, 10, राम सेतु ब्रिज जिसको एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, राम सेतु जिसको एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, शुरू होता है कहाँ से? धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से या रामेश्वरम से? तो राम सेतु ब्रिज भारत के पंबन द्वीप
भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय बाग के रूप में विस्तारित है। तो कहाँ से है ये? धनुषकोडी से शुरू होता है। और धनुषकोडी क्या है? धनुषकोडी पंबन द्वीप का सबसे आखिरी छोर है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार से सबसे निकट है? सुमात्रा, जावा, बोर्निया, श्रीलंका। सुमात्रा, जावा, बोर्निया, श्रीलंका। तो आपका जो सुमात्रा है यह आपके ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। ग्रेट निकोबार सबसे निकटतम दक्षिणतम द्वीप है, जो कि 6° 45' नॉर्थ से 7° 15' नॉर्थ तक है अक्षांश, और 93° 37' ईस्ट से 93° 56' ईस्ट के मध्य स्थित है। ठीक है, यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 480 किलोमीटर दूर स्थित है। यह इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा से सबसे कम दूरी पर स्थित है। बोर्नियो, जावा और श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की तुलना में काफ़ी अधिक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अब तक हम क्या पढ़े दोस्तों? अब तक हमने क्वेश्चन देखे थे बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, अब क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं अरब सागर के द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? आपके अरब सागर में। निम्नलिखित में कौन सा एक परवाल द्वीप है? परवाल द्वीप जो कोरल रीफ भी आप कहते हैं उनसे बनता है, तो वह भी आपका लक्षद्वीप ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं दोस्तों। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, या पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में? तो यह आपका दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। आपको पता है कि ये आपका मैप है, ठीक है दोस्तों। तो आपका लक्षद्वीप यहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो आपका दक्षिण पश्चिम में यह अवस्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप परवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखीय है, मर्दा निक्षेपण है, या ऊपर कोई भी ठीक नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा यह क्या है, परवाल उत्पत्ति का द्वीप है। कौन सा? लक्षद्वीप। चलिए 16। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? जैसे अभी हमने पढ़ा अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं, तो 222। ऐसे ही लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में आपके कुल 36 द्वीप हैं। कितने? कुल 36 द्वीप हैं। ठीक है, और इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं, ये ध्यान रखना। लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप हैं और इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। ध्यान देना, आपसे पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को क्या कहते हैं? अमीन द्वीपी, और दक्षिण द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। ठीक है, और मिनिकॉय इन सभी द्वीपों से अलग है, किससे? 9° चैनल के द्वारा। और अंडमान निकोबार किससे अलग थे? 10° चैनल के द्वारा। ठीक है, और यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोइट अथवा एंड्रोथ है, एंड्रोट अथवा एंड्रोय है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूर वर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? सबसे सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है भटकल, अरनाला, मिनिकॉय, हेनरी। तो अभी आपको बताया कि जो हेनरी है वह सबसे दूर का द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सालसेत, बताइए। तो यह है आपका दोस्तों रामेश्वरम। कौन सा है?
रामेश वरम द्वीप आपका भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, वह कौन सा द्वीप है जिस पर भारत का बड़ा नगर निर्मित है? पणजी पोर्ट ब्लेयर रामेश्वरम मुंबई। तो दोस्तों वह है आपका मुंबई, जो कि एक द्वीप पर निर्मित है, ठीक है। और यह सबसे बड़ा नगर है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, ध्यान देना, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है उसका नाम है दोस्तों सालसेट। कौन सा नाम है? सालसेट द्वीप। और इसी सालसेट द्वीप पर आपका मुंबई स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस द्वीप पर मुंबई स्थित है? तो वह सालसेट द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? सालसेट द्वीप पर मुंबई शहर स्थित है। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में या कच्छ के रन में? तो दोस्तों कोरी क्रीक आपका कच्छ के रन में स्थित है। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है। क्या है? ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है। कोरी क्रीक कैसी भूमि है? दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा बोल देखें दोस्तों, हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ी परेशानी हो, देखने में थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये लीजिए सूची, दो सूची है यहाँ पर, एक तरफ द्वीप है एक तरफ उनकी अवस्थिति है। तो पहला है आपका वेयंत स्योधर काठियावाड़ तट, पिरम अरब सागर तट, द्वारका कच्छ की खाड़ी, द्वीप खंबात की खाड़ी। तो दोस्तों इसका जो सही मिलान है वह है कि जो आपका वेयंत स्योधर है वह कच्छ की खाड़ी में है। वेयंत स्योधर आपका कच्छ की खाड़ी में है, उसके बाद पिरम आपका खंबात की खाड़ी में है, द्वारका आपका अरब सागर तट पे है और द्वीप आपका काठियावाड़ तट पे है। तो जो आपका इसका ऑप्शन होगा वह होगा A3B4C2D1। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 23। सर क्रीक विवाद, अभी हमने क्या पढ़ा? कोरी क्रीक जो कहाँ पर है? कच्छ के रन में है, ठीक है, और भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा निर्माण करती है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? अब किसके मध्य होगा? जब यह सीमा ही इन दो बीच के करता है तो यह विवाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच में ही होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें विवाद क्या है? विवाद है कि कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का कब्जा बरकरार है दोस्तों, ठीक है। चलिए सो दोस्तों ये थे हमारे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने लिए थे आज द्वीप समूह से, या आप कह सकते हैं आइलैंड से, ठीक है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा, जो वीडियो होगी, वह होगी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए साथ में, और साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।